जोधपुर की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 75-80 वर्ष की महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियेंगे? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपये की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना कम बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बनाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्लड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्लड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्लड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों, जब कभी हमें 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं? जब कभी अवसर मिले तो ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।